coming your way, so you can tackle them there and then, before the time, rather than sit down and react when it's all over to you. Suddenly. It's all over you. तो ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है ये बड़ी जरूरी है. आगे बात कर रहे थे आर्मी जो है हमारी माशाल्लाह उसने बड़ा काम किया है और हमेशा किया है. मौजूदा तौर पे भी अगर आप पीटीवी चैनल को उठा के देखें जितना भी रिलीफ वर्क दिखाया जा रहा है आर्मी कर रही है, ठीक है. और आर्मी और जो हुकूमत के अरकान है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर पे दिखाए जा रहे हैं. कोई एमएनए इलाके का आपको नहीं नजर आया, भले वो इल्जाम देते हैं जी ये जो प्राइवेट चैनल हैं ये लोग दिखा नहीं रहे. पीटीवी पे दिखाएं जरा हमें, पीटीवी पे एक भी नजर नहीं आया, ठीक है. तो आर्मी का काम रिलीफ रेस्क्यू है, रिलीफ वर्क और रिहैबिलिटेशन सिविल गवर्नमेंट का काम है जो कि ये नहीं कर पा रहे अभी तक. अच्छा, प्लान भी नहीं कर रहे. कोई डिजास्टर आता है तो लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं और बड़े बड़े वादे कर लेते हैं कि जी इतने मैं पैसे दूंगा, इतने दूंगा, मिलियंस के वो प्रोमिसेस कर लेते हैं. और इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक कहते हैं कि जितने आप प्रॉमिसेस करते हैं उनमें 35% से ज्यादा कलेक्शन नहीं होती. तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमारी जो कलेक्शन होगी इसके मुताबिक अल्लाह करे थोड़ी ज्यादा ही हो जाए, क्या हमारी नीड के साथ मुताबिक वो कुछ मैच करती है? देखें जी, रेटरिक जो है ना एक चीज, एक लफ्ज है जो बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीडिया में भी. रेटरिक इज यूज अगेन बाय अमेरिका, रिचर्ड होलब्रुक एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका. उन्होंने छूटते ही जनाब कह दिया जी कि हम लोग 75 मिलियन पहले या दूसरे दिन उन्होंने 76 मिलियन 10 मिलियन जरदारी साहब को यहां पे मिला. कहां पे? कैमरून साहब ने 10 डाउनिंग में 10 का हिस्सा 10 मिलियन. नहीं वो सॉरी भैया, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तो मुलाकात ही नहीं, लेकिन नहीं, जो शख्स अंदर से आया ना, जो शख्स अंदर से आया उसने प्लेज किया. अब कहने की बात है प्लेज की मुलाकात चेकर में हुई थी. अच्छा नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ 10 का हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि वो प्लेजेस रेटरिक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. जो डिलीवरी हुई है अभी तक सिर्फ 30 मिलियन की हुई है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड जो है हमारा हिस्टोरिकली इस गवर्नमेंट का नहीं, वो ये विल बी वेरी अनफेयर टू से, पिछली गवर्नमेंट का भी और उससे पहले भी जो भी फॉरेन हेल्प जब भी मिली है उसको मैनेज सही तरह नहीं किया गया. रिलीफ जो है ना और रिहैबिलिटेशन, आज तक 2005 का जलजला आज तक सही तरह नहीं हुआ, अभी तक लोग रो रहे हैं. तो वो जो हमारी रेपुटेशन एक बन गई है ऐसी कि उनको पता है. अब चाइना है ना, चाइना उसने खुल के अभी तक सही मानों में कुछ नहीं किया. उनको पता है कि मैं करूंगा, उनको आप ये याद रखिएगा, वो अगर करेंगे तो वो दे विल बिल्ड दिस हॉस्पिटल, दे विल बिल्ड द ब्रिजेस एंड दैट्स व्हाट दे डू. दे विल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाट वी नीड, बिकॉज इफ दे गिव यू द मनी दे नो दैट वेयर द मनी इज गोइंग टू. रजा साहब जी, जी अभी एक इस पे इजलास हो रहा है सितंबर में. आर्मी बरादरी ने बुलाया है कि पाकिस्तान के जो आफ्टर डिजास्टर इसकी डैमेजेस का सारा मामला हल करना है. इसमें कुछ मुल्कों ने अपने तहफजात पेश किए हैं कि हमें, जैसे कश्मीर की उन्होंने बात की थी, कश्मीर के तरह ये भी शायद गवर्नमेंट से मैनेज ना हो पाए, मिसमैनेज हो जाए. और वो कहते हैं कि हम इमदाद गवर्नमेंट को देने के बजाय कोई और मेथड सोच रहे हैं. आपकी नजर से गुजरी है खबर? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी स्लीप साहब जिक्र कर रहे थे, मैं इन्हीं की बात को सेकंड करता हूं कि अगर चाइना इमदाद देगा, अभी तक चाइना खामोश बैठा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में देगा कि हम आपको ये चीजें बिल्ड करके देंगे, कैश की सूरत में हम एक पैनी नहीं देंगे. वो तो उसने पहले भी एक बार जवाब दिया, ठीक है, कैश की सूरत में. तो याद है ना आपको? बिल्कुल जी बिल्कुल. तो अगर इसी चीज को हम सामने रखें तो अगर आप कल का अखबार उठा के देखें, बेल्जियम का एक अखबार है, मुझे इस वक्त नाम नहीं उसका, उसमें बकायदा तौर पे उन्होंने अपने अदारे में, उनका नेशनल अखबार है, इस वक्त जेन से नाम निकल गया, उन्होंने अपने अदारे में लिखा है कि ये इमदाद रोकी जाए, यूरोपियन यूनियन जो दे रही है पाकिस्तान को ये रोकी जाए. वो लोग इस नजर से देख रहे हैं और हम लोग तवक्कुल लगा के बैठे हैं, नहीं जी वो फलां भी दे देगा, फलां भी दे देगा, फलां भी दे देगा. और वहां पे इस वक्त ये बहस हो रही है, दी जाए कि ना दी जाए, इस पे हम सोचेंगे. और सितंबर में जो होने वाला इजलास है उसमें अभी सिर्फ वो लोग जायजा लेंगे, उसमें उन्होंने ये नहीं कहना कि हमने देना है कुछ. सिर्फ वो जायजा लेंगे कि दिया जाए कितना दिया जाए, कैसे दिया जाए, ठीक है. वो कैश की सूरत में तो इस वक्त पाकिस्तान को देने को कुछ तैयार नहीं है जी, ठीक है जी. और अगर उन्होंने देना भी है तो वो शायद इंसानी हमदर्दी की बेस पे देंगे, जहां तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है उस बेस पे शायद वो हमें कुछ भी नहीं देंगे. देंगे तो वो अवाम के लिए देंगे. और मेरे ख्याल में ठीक है,
देना तो वैसे हुकूमतों के मामला हुकूमतों के दरमियान होना चाहिए, लेकिन अगर ये चीजें सारी जौन सी हैं अक्वाम मुत्तहिदा के जेरे इत्तमाम कर दी जाए कि जितनी इमदाद आए और यूएनओ जौन सा है वो वहां पे अपना एक कमीशन तैयार कर ले, चाहे आप अपने मुल्क का कमीशन छोड़ दें ना बनाए, लेकिन वहां पे अगर यूएनओ जौन सा कोई अपना कमीशन अपनी तो वहां की जो जरूरियात है उस पर नहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। नहीं देखिए फिर सॉवरेंटी जब आप देखिए ना जो आप कह रहे हैं अगर यूएनओ कहता है जी हम एक कमीशन बना रहे हैं हम मुख्तलिफ मुल्कों से जो उनकी मिलिट्रीज के कुछ लोग बुला के ये काम करेंगे तो वो कहेंगे हम इंडिया से भी इतने लोग इतनी फौज बुला रहे हैं तो आप उसको अलाउ करेंगे फिर? नहीं इंडिया का देखें इंडिया को तो आप इस वक्त हम इंडिया को तो वाकई नहीं अलाउ करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर सॉवरेंटी का मसला है तो क्या हम अभी तक सोए हुए हैं कि जब हम पे अटैक होते हैं ड्रोन अटैक होते हैं तो वो सॉवरेंटी के मसले पे नहीं आते, हम उस पे कंप्रोमाइज कर लेते उस पे हम कंप्रोमाइज और देखिए करेंगे ये गवर्नमेंट करेगी। अच्छा इस गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, अगर ये लोग खुद से नहीं अगर अपने जो एसेट्स इन्होंने रखे हुए हैं अगर मियां साहब यहां पे दो तीन फ्लैट्स बेच के अपने सिर्फ वही पाकिस्तान दे दें, जरदारी साहब अपने कुछ जायदादें जो सिंह वो बेच के वो दे दें वो रहेंगे वो कहां रहेंगे अभी तक जब वो भाग के आएंगे तो कहां रहेंगे? अंदाजा है वो कहते हैं कि 450 अरब डॉलर की जरूरत है सारे को रीबिल्ड करने के लिए, शायद ये बढ़ जाए जी। पूरी दुनिया से इमदाद के वादे किए जा रहे हैं, सऊदी अरब ने एक बड़ा उसने सबसे ज्यादा दिया जी, दिया तो भी मैं नहीं कुछ नहीं उसकी इमदाद पहुंच चुकी है उसकी इमदाद जो कुछ आज तक की रिपोर्ट है कि उसकी इमदाद जो उनसे ना उसने जो प्रॉमिस किया है वो पहुंच चुका है और फर्दर वो इस पे सोच रहे हैं कि और क्या हम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या ये जरूरत हमारे इसके मुताबिक पूरी हो जाएगी अगर हम इसको नेक नीति से खर्च करें तो? नहीं नहीं ये इसका ये आप मत समझिए कि ये आपकी जरूरत को पूरी करेगा। अच्छा अब हमें इसको प्लीज ना वाइंड अप करना है, बिल्कुल एक मिनट रह गया, आप कैसे देखते हैं कि इसके अगर हमें सारी इमदाद मिल जाए तो हमारे मामला दुरुस्त चल सकते हैं? नहीं जी मेरा नहीं ख्याल कि हम हमारे ये मामलात दुरुस्त उसके लिए क्योंकि इस वक्त हमें $450 अरब डॉलर की जरूरत है सिर्फ बहाली के लिए। ब्रीफ चुके बाकी का भी और इसमें आप जो आपके इश्यूज हैं खराब साख है कम सरमायाकारी है हमारी मुतासरीन तक इमदाद को शफाफ तरीके से पहुंचाना है, सलाब खत्म होने के बाद तैमीर नौ का जो एक सफर तय करना है हमें वो सारी देखें और इसके अलावा जो इस वक्त आप पे टैक्स लगाया जा रहा है फ्लड टैक्स क्या कौम इसकी मुतामल है? मुतामल है ठीक ऐसे बात आतिफ साहब फाइनल वर्ड मेरे ख्याल से एक तो गवर्नमेंट को जो फेस दिखाना ना जो जो ये लोगों को बता रहे हैं अब जरदारी साहब घूमते फिर रहे हैं तो ये बाहर मैसेज यही मिल रहा है कि ऐस सच प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट को इस चीज पे सीरियस होना चाहिए कि वो जो बाहर उन्होंने फेस दिखाना है वो क्या दिखाना है। दूसरा वही शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के इनको पॉलिसीज बनानी चाहिए और किस तरह चलना है और लोगों को जो है ना वो अपडेट रखें इस पे ताकि लोग जो एफर्ट करना चाहते हैं उनको पता हो कि जी मैंने इतनी एफर्ट करनी है मैंने इस तरह करनी है और हमने इस टारगेट को अचीव करना है। क्लियर कट उनको टारगेट दें क्लियर कट उनको मैसेज दें। इस इमदाद से रिलीफ रेस्क्यू रिलीफ तो हो सकता है रिहैबिलिटेशन हमारा काम है लेकिन एक इंपॉर्टेंट इस पूरे सिनारियो में एक पॉजिटिव साइड ये है कल की ये बहस छिड़ चुकी है इस पे कि जागीरदारों ने जिस तरह नाइंसाफी की है वो कच्चे के इलाके वालों के बंद तोड़ के पूरे मुल्क में हुआ है लेकिन ये कल बड़ी विगरसली इस पर बात की गई है और ये इंशाल्लाह इन्हीं में से ही उनको उठा के तो किसी तरफ लगाएंगे। नाज़रीन आज हमने